काशीपुर में तैनात बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार यादव को पत्र भेजकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रकम न देने पर मौत की घाट उतारने की धमकी देने वाले शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी और कोई नहीं बल्कि कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए बिजली विभाग के SDO जसपुर मदन लाल का बेटा नितेश कुमार निकला। जानकारी के मुताबिक 9 जनवरी को काशीपुर में काम कर रहे बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रजिस्टर्ड डाक में उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अज्ञात शख्स ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पत्र में साफ लिखा था कि रकम न देने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बता दें, इस मामले में सूचना पर पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है और जांच में सामने आया कि ये पत्र काशीपुर के डाकघर में भेजा गया था। जब पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली तो एक संदिग्ध महिला डाक पोस्ट करती नजर आई। पुलिस ने महिला की पहचान कर उसे थाने लेकर आई, पूछताछ की तो पता चला कि 4 जनवरी को दोस्त नितेश कुमार ने एक रजिस्ट्री कराने के लिए उसे दी जो अधिशासी अभियंता अजीत कुमार यादव के नाम पर थी। बता दें, पुलिस को जैसे ही इसका पता चला तो उसने तत्काल अभियुक्त नितेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में नितेश ने अपना जुर्म कबूल लिया है जिसके खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है।